जय श्री राधे दोस्तों, हम लोग हैं आज गोवर्धन में। हम गोवर्धन में जो है श्री भागवत प्रभु जी से मिलने आए हैं। रिद्धि का बहुत मन था, क्योंकि जब भी वो आई तो हमारे भागवत प्रभु जी हमें मिल नहीं पाए, बट आज हमारे बहुत अच्छा भाग्य है कि हमारे कृष्ण के भक्त बहुत प्यारे जो भागवत जी हैं उनका हमें दर्शन हुआ और उनको मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको मैं अभी आगे और दिखाती हूँ कि भागवत प्रभु जी ने कितने अच्छे से रिद्धि के साथ भी बात की और उसको ये भी बोला कि दिन में आपको माला करनी चाहिए, शुद्ध होकर करनी चाहिए और अपना प्रभु श्री कृष्ण नाम का कीर्तन भी करना चाहिए। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, अभी हम शुरू करते हैं अपने भागवत प्रभु जी के साथ बातचीत और कीर्तन, जिसको देखकर आपको भी आनंद हो जाएगा कि दो भक्तों के बीच जो बात होती है वो कितने अच्छे से होती है। ये जो माला करते हैं ये काउंट करके नहीं करते, ये ऐसे हमारे एक महाराज जी है ना, वो बोलते हैं आपको खाते पीते उठते बैठते सोते आपको नाम जप करना चाहिए, ये वैसा करते हैं। आप बताओ माला में करना चाहिए वैसे करना चाहिए, आप हमें बताइए। आप इसको बस बता दीजिए फिर हम चले जाएंगे। आप बताइए, आप ना जब छत पे जाओ तो पहले अपना पहले नहाओ, फिर शुद्ध होके भगवान की आरती करो, ठीक है? फिर एक रोज माला करो, उठ के माला करनी है आपको, ठीक है? भागवत प्रभु जी आपको बोल रहे जब ना शुद्ध होके माला करनी है। और आप सुबह कितने बजे उठते हो? और जब आपकी एक माला हो जाएगी तो आप कीर्तन करेंगे, ठीक है? Thank you.
तो जैसा कि आपने देखा, भागवत प्रभु जी बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे हैं और हमें बहुत आनंद आ रहा है। इतना आनंद आ रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहीं बैठे रहें और कृष्ण नाम का जो कीर्तन है उसका आनंद लें। तो दोस्तों, बहुत कृपा है हम पर श्री जी की कि हमें कृष्ण के भक्तों का इतना जल्दी जल्दी दर्शन होता रहता है। और आप सबका भी आशीर्वाद है। अगर आप चाहते हैं हम ब्रज के और ऐसे संतों का आपको दर्शन करवाएं जिसकी वजह से जो है हमारा मनुष्य जन्म जो है सार्थक हो जाए, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे ब्रज के जितने भी संत हैं हम उनके पास आपको जल्दी से जल्दी लेकर जाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट और आपके आशीर्वाद के बिना और हमारे श्री जी के आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो देखकर बहुत आनंद आया होगा जो कि भागवत प्रभु जी ने आज हमारे साथ कीर्तन किया। और रिद्धि को भी बहुत आनंद आया। रिद्धि का तो बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था घर जाने का। और इस बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, जो कृष्ण नाम का प्रचार चल रहा है इसके माध्यम से, वो बहुत अति सुंदर है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।